से वेलकम बैक टू सीबीएसई स्पेशल आई एम प्रियंका वालिया योर बायोलॉजी एजुकेटर आपका बहुत स्वागत है इस सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं फाइनली अपने मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में येस yes. आज हमारा टॉपिक जो है डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आज हम अच्छे से मैकेनिज्म समझ लेंगे पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको पूरी समरी मिल जाएगी जो हमने इतने दिनों में डाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि डाइजेशन किस तरीके से बकल कैविटी स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है आज फाइनली हम उसका पूरा ओवरव्यू ले लेंगे सेशन के अंदर आफ्टर दैट आपका डाइजेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन ठीक है तो स्टार्ट करें अपना सेशन सो लेट स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम चलो अगर हम इस सेशन के बारे में बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अब तक हमने पूरी तरीके से डाइजेशन देखा हर पार्ट के स्ट्रक्चर को देखा हर पार्ट के फंक्शन को देखा तो आज हमारे लिए मैकेनिज्म पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है ताकि आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाए प्लस जो इतने दिनों में मैंने पढ़ाया है तो आपको एक ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स की वीडियोज के अंदर उसकी पूरी एक समरी आपको एक जगह मिल जाए डिटेल में पढ़ना है तो उन्हीं वीडियोज को रेफर करो बट आज एक आपको ओवरऑल एक समरी मिल जाएगी ठीक है जो के लिए आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है मिड टर्म के लिए भी इवन आपके फाइनल बोर्ड्स के लिए भी चलो स्टार्ट करें अगर हम पढ़ते हैं मकानिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में सो so, जैसे कि हमने देखा था मकानिज्म हमने आ, अमीबा का भी देखा था तो उसमें भी हमने यही फाइव स्टेप्स के बारे में बात की थी तो इसमें भी हम यही फाइव स्टेप्स के बारे में बात करेंगे अगर हम ओवरऑल देखें पूरा का पूरा मकानिज्म तो उसमें फाइव मेनली स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हैं डाइजेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है आपका फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन यानी कि जब हम फूड इनटेक करते हैं राइट right? जब हम फूड अपने माउथ में डालते हैं खाना शुरू करते हैं तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं इंजेशन ठीक है जब हम अपना खाना बकल कैविटी में रखते हैं ठीक है तो, तो दैट वहीं से क्या हो जाता है आपका एक्चुअली में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है यानी कि सेकंड स्टेप क्या है हमारा डाइजेशन जिसके अंदर क्या होता है ब्रेक डाउन होता है जो भी फूड के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं चाहे वो प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर हो हमारा फैट्स ठीक है इसके बाद जब वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ तक डाइजेस्ट होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन तक स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है हमारी कंप्लीट डाइजेशन की एक साइट है जहां पे सारा जितना भी आपने खाना खाया है ना वो पर्टिकुलरली कहीं डाइजेस्ट हो या ना हो थोड़ा बहुत हर जगह डाइजेस्ट हुआ बट कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेप के बारे में दैट इज एप वो भी आपका कहाँ रहा था वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में और था क्यों क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट थी वहाँ पे विलाई प्रेजेंट थी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनम वाले पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है वहाँ पे विलाई प्रेजेंट है उसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है जो कि खाना जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से जब उसका बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में खाना आपका पहुँच चुका है तो वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपका जो फोर्थ स्टेप आता है दैट इज एसिमलेशन एसिमलेशन के बारे में अगर हम बात करें कि एसिमलेशन क्या होता है तो जो भी हमने खाया पचाया पचाने के बाद जो भी एब्जॉर्ब किया हमारे ब्लड ने उस न्यूट्रिएंट्स को वो न्यूट्रिएंट्स जब डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं पूरी बॉडी के हर जगह वो खाना जो है पहुंचाया जाता है हर सेल को क्यों भाई खाने की जरूरत एक ही जगह थोड़ी ना खाली स्मॉल इंटेस्टाइन को ही थोड़ना पेट भरना है स्मॉल इंटेस्टाइन को ही थोड़ा एनर्जी चाहिए खाना तो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए ना क्योंकि पूरी बॉडी को ए जनरेट करनी है उसके लिए किस चीज़ की नीड है उसके लिए नीड है हमारे न्यूट्रेंट की यानी कि हमारे ग्लूकोज की तो वो एसिमिलेशन क्या होगा एसिमिलेशन होगा जब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देगा आप आफ्टर एसिमिलेशन हमारा फिफ्थ और फाइनल स्टेप होता है डाइजेशन का दैट इज इजेशन ठीक है जो भी हमने खाया पचाया उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा जो कि हमारी बॉडी के लिए नीडफुल नहीं है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो हमको अपने पास रखना ही नहीं है तो उसको हम क्या करवाएंगे स्क्रीट आउट करवाएंगे यानी कि किसकी फॉर्म में पिकल की फॉर्म में तो लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एन एनस के थ्रू क्या होगा उसका उसको एक स्क्रीट आउट करवा दिया जाएगा उस पूरे स्टेप को हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इजेशन तो आपको समझ में आए मैकेनिज्म डाइजेशन के मैकेनिज्म के फाइव स्टेप्स होते हैं एक हो गया आपका इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसिमुलेशन एंड ईजेशन ठीक है अगर हम इसके बाद बात करें अपने जब हमने डाइजे ये वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था डाइजेशन टॉपिक ह्यूमन के अंदर तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया था कि डायजेशन जो है दो चीज़ों के आर पार घूमेगा है ना पहली बार तो डाइजेशन क्या है एक मकैनिकल और केमिकल प्रोसेस है मकैनिकल कैसे हुआ क्योंकि बॉडी पार्ट्स उसमें वर्कआउट कर रहे हैं उस खाने को चबाने में है ना जैसे हमारी टीथ जैसे हमारा स्टमक का पार्ट जो चर्निंग करता है फूड की इसी तरीके से सेम मैकेनिकल की तरह केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है काफ़ी सारे इंजाइम्स ग्लैंड्स में से सिक्रिएट हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं वो उस पूरे खाने के साथ जाकर रिएक्ट हो रहे हैं और उस खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं है ना तो इसका मतलब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक होगी हमारी एलिमेंट्री कनाल है ना एलिमेंट्री कनाल इन्वॉल्व है ना एलिमेंट्री कनाल क्या होती है माउथ टू एनस तक की जो लॉन्ग ट्यूब है है ना उसको क्या बोलते हैं हम एलिमेंट्री कनाल यानी कि माउथ टू एनस इसका पूरा एक एक स्टेप मैंने आपको बताया था कि माउथ से माउथ से खाना कहां जाता है माउथ में मैं खाना रखते हैं बगल कैविटी देन उसके बाद पैंडस ईसो देन आपका स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट फिर इलियम में जाता है फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होने के बाद वो एनस के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाता है इसके पूरे प्रोसेस के बीच में इस पूरे कैनल के बीच में काफी सारे उसके साथ मकैनिज्म होते हैं उसको तोड़ा जाता है निचोड़ा जाता है उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया जाता है, है ना चलो एलिमेंट्री कैनाल के बाद एक चीज और है जो उसके साथ इंपॉर्टेंटली वर्क कर रही थी वो क्या थे हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड राइट कौन काम कर रहे थे एसोसिएटेड ग्लैंड्स अगर हम बात करें इन एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में तो एसोसिएटेड ग्लैंड क्या होते हैं जैसे कि हमने काफ़ी सारे ऐसे ग्लैंड्स के बारे में अपने डाइजेशन के पूरे जब मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया एक एक चीज का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो वहां पे काफ़ी सारे ऐसे ग्लैंड्स थे कौन कौन से ग्लैंड थे एक था हमारा स्लाइबरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट था एक था हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट था इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड दैट इज लिवर है ना लीवर ने भी क्या किया था बाइल जो क्रिएट किया था डाइजेशन के लिए इसके साथ साथ पैंक्रियाज वो भी एक ग्लैंड है जिसने पैंक्रिएटिक जूस दिया था जिसके अंदर काफी सारे इन्जाइम्स थे जिसने फैट हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करी थी इसका मतलब एसोसिएटेड ग्लैंड में भी अगर हम देखें तो काफी सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं क्या मुझे लिखवाने की जरूरत है ग्लैंड के बारे में आपको पता है ना ग्लैंड के बारे में कौन कौन से थे हमारा स्लाइवरी ग्लैंड इसके अलावा एक्स्ट्रा कर दूं क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको ऑलरेडी है ना तो आज एक जस्ट ओवरव्यू हो रहा है तो ओवरव्यू की तरह लेके चलते हैं ठीक है चलो आगे बढ़े अब देखते हैं खाना किस तरीके से हम इंजेस्ट करते हैं इट मीन्स हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपने माउथ से हमने जब खाना खाया उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता चला जाता है आज उस सबके बारे में बात करेंगे ठीक है चलो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा इस डायग्राम में बहुत क्लियरली मैंशन करा रखा है कि हम खाना कहाँ से अपना इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ से चलो फिर पहले स्टार्टिंग करें वहीं से करें स्टार्ट ठीक है अगर हम जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना खाना खाया माउथ से माउथ से खाना कहाँ जाता है हमारा जल्दी बताओ माउथ से खाना कहाँ जाएगा हमारा जैसे हमने मुंह में खाना डाला देन उसके बाद कहाँ पे रखते हैं हम ये जो बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी क्या कहते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कह सकते हैं ना आपका माउथ खुलते जो आपको स्पेस दिखाई देता है जो आपको कैविटी दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं बकल कैविटी ओरल कैविटी दोनों ही एक ही चीज के नाम है ठीक है इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंटली दो चीजें देखने को मिलती हैं कौन कौन सी चीज देखने को मिलती है एक होते हैं हमारे टीथ और दूसरा क्या होता है हमारा टीथ के साथ साथ तो और क्या होता है टंग आपको बकल कैविटी में दो ऑर्गन देखने को मिलते हैं ना एक होता है टीथ एक होता है टंग ये दोनों ही हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कैसे हेल्प करते हैं चलो वो देखते हैं अगर हम बात करें टीथ के बारे में तो टीथ किस चीज में हेल्प करते हैं मेस्टिकेशन में खाने को तोड़ने में चबाने में हेल्प करते हैं ना चुही करने में तो इट मीन्स मेस्टिकेशन ऑफ फूड ऑफ फूड ठीक है इसी के बाद अगर हम बात करें टंग की तो टंग किस तरीके से हेल्प करती है डाइजेशन में टंग हेल्प करती है जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी से क्या एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है एक्चुअली में ये स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज ये क्या है स्लाइवरी अमाइलेज एक इंजाइम है जो किस पे काम करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट पे तो मैंने आपको बताया था ना हम हमेशा ही गलत फैमिली के चलते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्टमक से स्टार्ट हुआ बट ऐसा नहीं है स्टमक कहाँ से हमारे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू है डाइजेशन शुरू है हमारे माउथ से जहां पे कार्बोहाइड्रेट का ऑलरेडी चाहे थोड़ा बहुत डाइजेशन हो बट शुरू हो चुका है ठीक है तो सिलाइवरी हमारे लिए होगा तो हमने क्या देखा कि पहले हमारा खाना कहाँ पे था हमारे माउथ में हमने इंजेस्ट किया उस प्रोसेस को हमने कहा इंजेशन देन उसके बाद हमारा खाना जो है बकल कैविटी में गया एक्चुअली में वहां पे कौन कौन प्रेजेंट था टीथ प्रेजेंट था टंग प्रेजेंट थी तो टीथ ने किस चीज में हेल्प किया टीथ ने हेल्प किया मेस्टिकेशन ऑफ फूड में और टंग ने किस चीज में हेल्प किया टंग ने हेल्प किया मिक्सिंग में किस चीज की मिक्सिंग हुई है यहाँ पे आपने जो खाना खाया उसकी प्लस किसके साथ, के साथ. यानि हमारे के साथ. क्या है कार्बोहाइड्रेट पे रिएक्ट करेगा और कार्बोहाइड्रेट पे रिएक्ट करके वो क्या करेगा हमारे बॉडी में जितना भी हमने खाना खाया है चावल खाया रोटी खाई उसमें जितना भी स्टार्च था ना उसको किस में कन्वर्ट करेगा उस सारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा तो लिख लो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने माल्टोज में ठीक है तो इट मीन्स किस चीज का यहां पे डाइजेशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी बिना बताए दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आपने क्या चीज़ सीखी इसके अंदर अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो माउथ से बकल कैविटी में खाना आया बकल कैविटी में टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे दैट इज कॉल्ड टीथ एंड टांग टीथ और टंग के बारे में डिटेल में डिटेल तो लेक्चर में जाके फर्स्ट लेक्चर था बगल केविटी के नाम से जरूर देखना बहुत डिटेल में टीथ और टंग के बारे में मैंने पढ़ाया है ठीक है तो टीथ ने क्या किया आपका मेस्टिकेशन यानी कि चुईंग करी जिसकी वजह से खाने को जो है ब्रेकडाउन हुआ उसको चबा के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया ट ने क्या किया, किया जिस लाइब्रेरी ग्लैंड से जो हमारा मेन ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है फर्स्ट ग्लैंड जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता दैट इज कॉल्ड ग्लैंड जिसने क्या किया कियाट किया उसके अंदर एक एंजाइम था इस एंजाइम को हम बोलते हैं सलाइवरी जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या माने हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजाइम है ना सलाइवरी अमाइलिस तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है स्लाइवरी एमाइलेज के बारे में बात करी हमने तो स्लाइवरी एमाइलेज ने क्या किया कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने रोटी खाई चावल खाया यानी कि जितने भी काब्स खाए कार्बोहाइड्रेट खाए स्टार्च था जिनके अंदर उसको माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम किया ठीक है तो आपके माउथ में किस चीज का डाइजेशन शुरू हुआ आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है आपके माउथ में स्टार्ट हो गया क्लियर अब इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें ठीक है वो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ठीक है अगर हम बात करें देखो हमने डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो ये आपकी टंग का पार्ट है ये आपकी ओरल कैविटी है ठीक है यहाँ से आपने खाना खाया खाना कहाँ जाता है फिर उसके बाद आपके कहाँ जाएगा आपका खाना आपके माउथ से जब आपने खाना खा लिया आपके माउथ में टीथ ने और टंग ने उस खाने को तोड़ा और उसको मरोड़ के मिक्स करके उस, उससे जो है जो भी जो भी इंपॉर्टेंट उसका कार्बोहाइड्रेट था जितना भी कन्वर्ट करना था वो कर दिया स्टार्च को माउ माल्टोज में कन्वर्ट ठीक है तो यहाँ पे अगर हम ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ क्या ये कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं ये क्या हुआ एक इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है क्या हुआ है एक इनकम्प्लीट डाइजेशन अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगा यहां से आपका खाना जाएगा एक्चुअली में आपके फेरेन्क्स वाले पार्ट में फेरेनेक्स क्या है आपका ये वाला पार्ट फेरेनेक्स क्या होता है कॉमन पैसेज होता है जिसमें एयर प्लस आपकी फूड पाइप दोनों की दोनों पाइप खुलती है ना फैननेक्स क्या होता है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड बहुत पाइप्स के लिए कॉमन पैसेज है चाहे वो एयर ट्यूब हो या फिर हो आपका फूड पाइप अगर मैं फूड पाइप को आपको सेकेंड ने गलेट दोनों के दोनों ही ओपन होते हैं हमारे फैंडनेक्स में है ना फैंडनेक्स भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था तीनों फैंडनेक्स के बारे में पढ़ा था नेक्स ओरो फैंडनेक्स एंड लरजो फैंडनेक्स जिसको हाइपो फैननेक्स भी कहा जाता है ठीक है आगे देखिए चलो यहाँ पे कम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करवा दिया यानी कि आपका जो खाना था जितना डाइजेशन होना था मौत में वो हो गया उसके बाद हमारा खाना कहाँ गया फैंडक्स में गया एक कॉमन पैसेज था जिसमें दोनों के दोनों ट्यूब्स जो थी आपकी ओपन और एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली ऐसा क्यों क्योंकि हमारा खाना विंड पाइप में नहीं गया यानी कि हमारे ग्लॉटस में नहीं गया क्यों नहीं गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपी ग्लॉटिस क्योंकि यहां पे एक एपी ग्लॉटस प्रेजेंट था जो कि कार्टिलेजियस फ्लैप है इस तरीके से कार्टिलेज

खुद लिखे चलो लिखते हैं अब हमने क्या देखा कि खाना जो था हमारा स्लाइवी माइल्स के साथ मिक्स हो गया तो उस खाने को हम क्या बोलते हैं वन मिनट लेट मी चेंज माई पेन चलो इस खाने को हमने क्या बोल दिया इस खाने को हम बोलते हैं बॉलस जो आपका खाना बॉलस किसी को बोलते हैं बॉलस होता है फूड प्लस सलाइवा ठीक है फूड प्लस सलाइवा यानी कि जो आपका खाना सलाइवा के साथ मिक्स हुआ था आफ्टर मिक्सिंग और आफ्टर जो भी उसका डाइजेशन हुआ उसके बाद जो खाना आप सोलो कर रहे हो जो खाना आप सॉलो कर रहे हो यानी कि आप खाना जो निगल रहे हो जिसको हम डिग्लिटेशन भी कहते हैं उस खाने को हम बोलते हैं बॉलस ठीक है क्या बोलते हैं बॉलस ये बॉलस कहाँ पे जाता है आपके फैडनेक्स वाले पार्ट में और फैडनेक्स से कहा जाता है आपके ईसो में ठीक है कहा जाता है ईसो में कोई कंफ्यूजन पैंडनेक्स से कहां गया आपके ईसो पैगस में गया यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है वो लिख लो कि हम क्या कर रहे हैं खाने को सोलो कर रहे हैं सॉलोविंग एंड यहां पे सीधा मैं डिग्लिटेशन लिख दू क्लियर रहेगा डिग्लिटेशन ठीक है, है यहां पे आपका खाना क्या कि आपने स्वालो किया आपने सोलो किया क्लियर है चलो ईसोफेगस के बाद क्या हुआ ईसोफेगस में क्या होता है ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है वहां पे सिर्फ आपके खाने को आपके फैन नेक से लेकर आपके स्टमक तक सिर्फ पहुंचाया जा रहा है और किस मूवमेंट के थ्रू पहुंचाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है वो वो है पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट ठीक है ये मूवमेंट जो है आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कनाल में होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसो फैगस परफॉर्म करता है नहीं पेस्टिलेटिव मूवमेंट क्या होता है एक ट्यूब है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है खाना आगे खिसक पा रहा है खाना आगे बढ़ पा रहा है सिर्फ इसी को क्या कहते हैं पेस्टिलेटिव मूवमेंट कहते हैं ठीक है सिर्फ खाना इससे क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ये फॉर एग्जांपल मान लो ना ये क्या है एक ट्यूब है ठीक है इसको ईसोफेगस मान लो ये क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि वो खींचेगी अपने आप को फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगी इसकी वजह से क्या होगा खाना जो उस पाइप के अंदर है वो आगे 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 की खिसकता जाएगा और कहां पे पहुंच जाएगा हमारे फाइनली ये पहुंच जाएगा हमारे फाइनली स्टमक में कहां पहुंचा आपका खाना आपके स्टमक में पहुंच गया अब स्टमक में अगर पहुंच गया खाना तो इसके भी, इसके बीच में ना एक इंपॉर्टेंट स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है स्पिंक्टर जो कि रेगुलेट करता है कि खाना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए कहाँ पे जाए आपके ईसो से आपके स्टमक में जाए स्टमक से वापिस ना आ जाए राइट तो वॉमिट में क्या होता है खाना जो है आपके स्टमक से कैसे आ जाता है वापस? बिकॉज ऑफ दिस पिंिंग वो जो है ओपन हो जाता है ठीक है तो हमारा खाने को रेगुलेट करने के लिए खाना थोड़ा 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 करके स्टमक में जाए एक साथ सारा ना जाए क्यों ताकि एक साथ सारा चल जाएगा तो डाइजेशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्या होगा एक आ, जो तो क्लेंच आएगा तो इसी वजह से खाना धीरे धीरे करके जाए तो यहाँ पे एक रेगुलेटिंग यहाँ पे ये मान लो चौकीदार बैठा रखा है ठीक है उसको क्या कहते हैं हम उसका नाम है कार्डियक और गैस्ट्रोइोफेगल्स स्पिंक्टर यहाँ पे लिख लो क्या नाम है दैट इज कॉल्ड मैं लिख देती हूँ तो जब यहाँ पे प्रेजेंट है आपका कार्डियक इसको कार्डियक भी कहते हैं क्यों कार्डियक नाम है स्पेस का क्योंकि यहां पे आपका हार्ट रिलेटेड होता है हार्ट के पास है इस स्पेस का नाम कार्डियक होता है इसीलिए इसको कार्डियक भी बोल देते हैं और गेस्ट्रो ईसो फेगल पिंट ठीक है ज्यादा बड़ा लग रहा है मत याद करो पर आपको पता होना चाहिए अगर आपको अच्छे से भी करना है अभी ठीक है आपको एन देना है आपको इन फ्यूचर नीड देना है तो आपको ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए चाहिए आपका बेस होना इवन आपकी बोर्ड की क्लास है 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 उसमें आपको क्या करना है? करना टॉप राइट right? चलो आगे बढ़े अब स्टमक के बारे में अगर हम आगे बात करें हमने स्टमक में क्या देखा स्टमक में क्या हो रहा था स्टमक में एक्चुअली आपके दो काम होंगे क्या क्या काम होंगे एक तो होगी चर्निंग ऑफ फूड आपके खाने को तोड़ा जाएगा मरोड़ा जाएगा उसको बिल्कुल पीस दिया जाएगा इट्स लाइक चर्निंग होगी किसकी हेल्प से होगी जो स्टमक की वॉल्स हैं उनकी हेल्प से होगी ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैकेनिकल काम हो रहा है प्लस इसके अलावा यहाँ पे आपका केमिकल काम भी होने वाला है कैसे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअली में क्या करने वाला है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड वन मिनट लेटमी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करने वाला है गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करने वाला है इसने सिक्रीट किया गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस तो हमने अब तक दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया एक था हमारा हमारा ग्लैंड सेकंड क्या आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसने सिक्रीट किया हमारा गैस्ट्रिक जूस इस जूस में क्या होगा इस जूस से काफी सारे इंजाइम निकलेंगे अब यहां पे मेनली जो थ्री इंपॉर्टेंट वो होते हैं ना चीजें इन्वॉल्व होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं एक होता है एच राइट right? एक होता है पेप्सिन और थर्ड होता है हमारा म्यूकस यही चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है होती है ना तो एच क्या काम करता है एच होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा स्टमक सेक्रेट करता है वो क्या करता है एक्चुअली में एक एनवायरमेंट एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसको पेप्सिन को पैप्सिन कहाँ से सिक्रीट हुआ पैप्सिन सिक्रीट हुआ है गैस्ट्रिक जूस से निकला है यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिंथेसाइज किया है को अब ये जब पैप्सिन आपके स्टमक में आता है ना तो ये इनैक्टिव स्टेट में होता है यानी कि ये किस स्टेट में इनैक्टिव स्टेट में है लेकिन जब ये गैस्ट्रिक जो इनएक्टिव स्टेट में है तो इसको एक्टिव स्टेट में तो आना जरूरी है तभी तो ये भाई काम करेगा आपके खाने के ऊपर तभी तो तो ये डाइजेस्ट करेगा खाने को तो इसको एक्टिव स्टेट में लाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है आपका एचसीएल क्योंकि इसको क्या चाहिए एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए तभी ये एक्टिवेट हो पाएगा तो ये क्या काम करता है प्रोवाइड एसिडिक एनवायरमेंट टू पैप्सिन ताकि वो क्या हो जाए एक्चुअली में एक्टिवेट हो जाए क्लियर है चलो क्या करता है इट इज से याद रखना कि ये क्या है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है यानी कि किस पे काम करने वाला है अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट का तो थोड़ा बहुत डाइजेशन करवा दिया था है ना करवा दिया था ना सेम उसी तरीके से अब हम किसका डाइजेशन करवाएंगे स्टमक के अंदर प्रोटीन का ठीक है तो यहां पे क्या होगा प्रोटीन को तोड़ा जाएगा मरोड़ा जाएगा और उसको एक सिंपल यूनिट में लाने की कोशिश की जाएगी बट यहां पे भी आपका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता प्रोटीन का यहां पे भी प्रोटीन का क्या होगा इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस क्या काम करता है देखो हमारे स्टमक में इतना सारा एसिड फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो अगर हम एसिड हमारे हाथ पे गिर जाते तो हमारा हाथ जल जाता तो ऐसा क्या है कि हमारी स्टमक के अंदर इतना सारा एसिड है तब भी हमारे स्टमक की वॉल्स को कुछ हार्म नहीं हार्मता वो इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड म्यूकस म्यूकस का क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को किसकी इनर लाइनिंग को स्टमक की इनर लाइनिंग को तो लिख लो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ

अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे एक्चुअली में स्टमक में क्या हुआ हमने बात करी पेप्सिन के बारे में कि ये क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पर कैसे करेगा जितना भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है ना ये क्या करेगा प्रोटीन को ये वाले इंजाइम्स जो है एक्चुअली में जाएगा और रिएक्ट करेगा और प्रोटीन जितना भी है ना उसको सारे को किस में कन्वर्ट करवा देगा इसको सारे को कन्वर्ट करवा देगा वो पेप्टोन्स में ठीक है कौन करवाएगा दैट इज कॉल्ड पेप्सिन ठीक है ना क्या किया प्रोटीन को तोड़ा गया मरोड़ा गया और प्रोटीन को कन्वर्ट करवा दिया पेप्टोन्स में किसकी हेल्प से बिकॉज ऑफ दिस पेप्सिन की प्रेजेंस में तो पेप्सिन ने एक इंजाइम की तरह रिएक्ट किया प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करी और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया अब ये पैप्टोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे आगे फर्दर और टूटने के लिए ठीक है तो यहाँ पे अमाइनो एसिड अभी तक नहीं मिला है हमें प्रोटीन से यहाँ पे सिर्फ इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है किसका प्रोटीन का ठीक है तो प्रोटीन को पैप्टोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्लियर है कोई कंफ्यूजन चलो अब आगे बढ़े अभी तक तो हमने खाने के साथ क्या किया स्टमक में देख लिया कि स्टमक में क्या हुआ सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया और बाकी सारे फूड की क्या हुई अच्छे से चर्निंग हुई ठीक है ना जब एच प्रेजेंट है तो अच्छे से क्या करेगा वो खाने को तोड़ मरोड़ देगा ना बहुत अच्छे से अब खाने के साथ क्या हुआ अब जो ये फूड था ना ये जो एसिडिक फूड था वो कैसा बना अब ये जो खाना था आपका एच में मिलके कैसा हो गया ये हो गया आपका एसिडिक फूड एसिडिक फूड हो गया ना तो इसी एसिडिक फूड को हम क्या कहते हैं इस एसिडिक फूड को हम कहते हैं कायम ये किससे मिलके बना है कायम ये बना है एच सी एल प्लस हमारे बॉलस से मिलके ठीक है तो एच सी एल प्लस बॉलस क्या हो गया एच सी एल प्लस बॉलस क्या हो गया एच सी एल प्लस बॉलस हो गया एसिडिक फूड क्लियर काइम किसको कहते हैं जो हमारे स्टमक में एसिडिक फूड बना उसको अब ये सारा फूड कहाँ पे आएगा ये सारा फूड चलेगा 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 भाई चलता चलता आएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है कहां पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा वो कौन सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिओडिनम क्या कहते हैं हम इसको हम इसको कहते हैं भाई डिओडिनम यहां पे ना बहुत कुछ होता है क्यों होता है एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही से स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आता है डिओडिनम में खाना आता है जो आपका एसिडिक फूड आया है वो कहाँ पे आया डिओडिनम में आया बट हम यहाँ पे भूल गए एक चीज का यहाँ पर भी भाई एक चौकीदार प्रेजेंट है उस चौकीदार को नाम तो भूल ही गए हम बताना इसको कहते हैं हम पायलोरिक स्पिंग यहाँ पे प्रेजेंट है जो थोड़ा थोड़ा करके एसिडिक फूड को स्मॉल में भिजवाता है एक साथ सारा नहीं भेज देता ठीक है तो उसको उसका नाम क्या है उस स्पिंक्टर का दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंक्टर जो कि प्रेजेंट है स्टमक के एंड वाली पार्ट में दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक और इसी के साथ डिओडिनम की स्टार्टिंग में तो डिओनिनम और आपके ये मान लो स्टमक और डिओडनम की जो बीच में जो आपका प्रेजेंट है ना इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंक्टर जो कि किसकी तरह काम करे एक चौकीदार की तरह काम करे ताकि धीरे धीरे करके खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए क्लियर कोई कंफ्यूजन चलो अब एक चीज और इंपॉर्टेंट वो भी बात कर लेते हैं वो बात क्या है जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है तो हमने इससे पहले दो ग्लैंड के बारे में बात करी एक तो है भाई लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अव बॉडी है ना लार्जेस्ट ग्लैंड है ना ये अपना सिक्रीशन कहां पे भेजता है डिओिनम में इसी के साथ एक और आ जाता है दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज ये अपना सिक्रीशन भेजने वाला है डिओिनम में राइट कहां पे भेजने वाला है डिओिनम में तो देखो मैं डायग्राम नहीं बना रही हूं पर डायग्राम्स का आप अच्छे से ध्यान रखना कि मैंने आपको जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना तो मैंने आपको एक एक डायग्राम पढ़ाया था एक एक नर्व के बारे में पढ़ाया था पढ़ाया था ना एक एक डक्ट के बारे में तो अगर हम लीवर के बारे में बात करें तो लीवर क्या है लार्जेस्ट है है जिसके अंदर क्या होता है? बाइल जूस ये बाइल जूस किस चीज में काम आता है यह बाइल जूस करता है एक तो इमल्सिफिकेशन किसकी इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की तो हमारे खाने में जितना भी फैट है ना उसकी इमल्सिफिकेशन कौन करेगा हमारा लीवर का बाइल जूस प्लस इसके अलावा एक जो हमारा जितना भी एसिडिक फूड आया भाई इतना एसिडिक आएगा तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को हार्म पहुंचेगा ना तो उसको अल्कलाइन बनाने का काम कौन कर रहा है वो भी आपका लीवर ही कर रहा है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर पैंक्रियाज प्रेजेंट है पेंक्रियाज क्या करेंगी ये सिक्रीट करेंगी आपका पैंक्रिएटिक जूस क्या सिक्रीट करने वाली है पेनक्रिएटिक जूस ये पेंक्रिएटिक जूस के अंदर काफी सारी इंजाइम्स प्रेजेंट है बताओ कौन कौन से इंजाइम्स है यहाँ पे आपका ट्रिपसिन प्रेजेंट है इसके अलावा आपका अमाइलेस प्रेजेंट है उसी के साथ साथ लाइपेस प्रेजेंट है तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करने वाले हैं राइट तो ये सब खाना आपका किसमें आ गया आपका लीवर का भी और पेंक्रियास का भी एंजाइम जो है डिओडिनम में आ गए किसके थ्रू आए हेप्टोपेंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू आए राइट ये कॉमन डक्ट है जो कि एक तरफ से पेंक्रिएटिक डक्ट आती है दूसरी तरफ से क्या आता है दूसरी तरफ से आपकी बाइल डक्ट, बाइल कॉमन बाइल डक्ट आती है और ये दोनों डक्ट जब एक साथ मिल जाती है दैट इज कॉल्ड हेप्टोपेंक्रिएटिक डक्ट और ये हेप्टोपेंक्रिएटिक डक्ट कहाँ पे खुलती है आपके डिओडिनम में खुलती है और ये डिओर्डिनम में क्या होने वाला है जो आपका खाना आया है स्टमक से उसको यहां पे क्या किया जाएगा एक्चुअली में तोड़ा जाएगा ठीक है तो पहले ये इमल्सिफिकेशन जितने भी फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा कौन कन्वर्ट कर देगा बाइल जूस इसी के साथ जो ये पेंक्रियास है जैसे पैंक्रिएटिक जूस सी क्रिएट हुआ है इसमें काफी सारे इंजाइम है ट्रिप्सिन है आईलेज है लाइपेज है ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर काम करेंगे ट्रिप्सिन काम करेगा प्रोटीन पे एम काम करेगा कार्बोहाइड्रेट पे लाइपेज काम करेगा लिपिड पे और ये इसको क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे आफ्टर दैट दि यहां पर भी ट्विस्ट है यहां पर ट्विस्ट क्या है कि इंटस्टाइन के पास अपना भी एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड इंटस्टाइनल ग्लैंड जो कि क्या से क्रिएट करता है जूसेस दैट इज कॉल्ड इंटस्टाइनल जूसेस और ये इंटस्टाइनल जूसेस के पास भी काफी सारे इंजाइम है ये इंजाइम कौन कौन से है इसके पास भी अपने लाइपेजेस हैं इसके पास माल्टेज है सुक्रेज है इवन आप इसके पास और कौन सा लिखे माल्टेक्रेड लैक्टेज है इसी तरीके से काफ़ी सारे इंजाइम्स ये भी सिक्रीट करता है और इसकी यही सारे सिक्रीट करने से क्या होता है पहले खाने के ऊपर जैसे डिओडनम में आया पहले रिएक्ट किया पैंकरिया के बैक्ट इंजाइम्स ने फिर लीवर के इंजाइम्स इन दोनों ने मिलकर रिएक्ट किया उसके बाद जो बन गया उसके उसके ऊपर रिएक्ट किया इंटेस्टाइन के इंजाइम्स ने ठीक है ये इंटेस्टाइन के एंजाइम क्या करेंगे इस खाने के ऊपर पूरे पे रिएक्ट करेंगे और उसको फाइनल डाइजेस्ट करवा देंगे इसके बाद क्या होगा ये फाइनल डाइजेशन ये पूरे के पूरे आप ये मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चले फैट्स है जितना भी फैट्स है ना ये सारे इंजाइम उस पर वर्कआउट करेंगे और किस में कन्वर्ट करवा देंगे ये कन्वर्ट करवा देंगे फैटी एसिड में ठीक है अब आप कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो अगर आपका क्या प्रेजेंट था माल्टोज प्रेजेंट था फॉर एग्जाम्पल तो ये माल्टेज वर्क करेगा इसके ऊपर ये किस में कन्वर्ट करवा देगा ग्लूकोस में ठीक है इसी तरीके से जो प्रोटीन पेप्टोन्स हम फॉर एग्जाम्पल पेप्टोन्स लेके चलते हैं क्योंकि हमने डाइजेशन प्रोटीन का करवाया था ना स्टमक में तो वहाँ पे क्या बने थे पेप्टोन्स बने थे तो ये पेप्टोन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे अमाइनो एसिड में तो देखो यहाँ पे क्या हुआ डिओडिनम में क्या हुआ यहाँ पे हुआ आपका मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन हुआ और सारे खाने को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या होगी कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट पढ़े थे <coughs> हमने तीन पार्ट पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन के पढ़े थे ना एक था हमारा क्या था एक हमारा एक था हमारा डिओडनम uh, जिसके बारे में अभी हमने बात करी उसके बाद था जेजिनम उसके बाद था इलियम तो जेजिनम क्या है जब खाना आपके कहां पे आया जेजिनम में आया तो यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या होने वाला है मैक्सिमम एब्सॉर्पशन होने वाला है क्यों क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है एक्चुअली में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह विली देखो इस टाइप की स्किन के अंदर क्या बनी होती है इस टाइप की इस टाइप की प्रोजेक्शन बनी होती है और इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं विलाई ये क्या करती है इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके एब्जॉर्प्शन हो सके तो हम क्या लिखेंगे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सके एब्जॉर्प्शन हो, हो सके अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है देखने वाली वो भी देख लेते हैं ये जो विलाई होती है ना इसके अंदर क्या होता है काफ़ी सारे इस तरीके से नशे प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है इस विलाई के अंदर ये क्या काम करती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉप्शन होता है इसके अंदर ठीक है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है ज़्यादातर जेजिनम वाले पार्ट में आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है तो यहीं पर आपकी क्या होगी सबसे ज़्यादा विलाई प्रेजेंट होंगी ठीक है इसके बाद बाद खाने के साथ क्या हुआ उसके बाद वो इलियम में गया फिर उसके बाद वो कहा जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने काफी सारे पार्ट पढ़े थे कौन कौन से पार्ट पढ़े थे लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था अपना केक केकम फिर उसके बाद कोलोन देन रेक्टम अगर हम केकम के बारे में बात करें तो वो कौन सा पॉइंट है वो है ये वाला जॉइंट जहां पे इलियम खत्म होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है यहां पे भी आपका एक क्या प्रेजेंट होता है एक वॉल्व प्रेजेंट होती है उस वॉल्व को क्या कहते हैं इलियो केकल वॉल्व यही कहते हैं ना वॉल्व ये क्या करती है जिस तरीके से स्पिंक्टर तो क्या करता है एक डायरेक्शन में ही खाना मतलब है बट उससे अपोजिट भी पहुंच सकता है बट इलियो केकल क्या है एक बार जो चीज चली गई ना लार्ज इंटेस्ट में वो बैक फ्लो नहीं कर सकती तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है तो इसीलिए इसको क्या बोला गया इसको वॉल्व बोला गया इसको स्पिंक्टर नहीं बोला गया है ठीक है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में यानी कि केकम वाले प्लाट पे प्रेजेंट होती है ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पे केकम में बहुत सारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई जो कि जो भी आपने खाना फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया है वो उसको थोड़ा सा फॉर्मेंट करते हैं थोड़ा सा खुद खाते हैं बाकी सारा क्या करते हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं ठीक है जितने न्यूट्रिएंट्स बचे हैं उनमें से वो भी निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है इसके बाद क्या होता है खाना आपकी कोलोन में जाता है यहाँ पे होता है आपका असेंडिंग कॉलोन देन योर ट्रांसफर कॉलोन देन योर डिसेंडिंग कॉलोन उसके बाद सिग्मोइड कॉलोन देन इसके बाद खाना कहाँ चला जाता है फाइनली आपके फाइनली खाना चला जाता है आपके रेक्टम वाले पार्ट के अंदर है ना और रेक्टम से क्या होता है रेक्टम सिर्फ स्टोरेज का काम करता है फीकल मैटर के आफ्टर दैट एनस के थ्रू क्या हो जाता है बाहर स्क्रीट आउट करवा दिया जाता है बाहर क्या करवा दिया जाता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक स्क्रीट आउट करवा दिया जाता है और यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एनल ठीक है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस क्लियर है कोई कंफ्यूजन तो प्लीज बता दो क्लियर है ना खाने का किस तरीके से किस किस पार्ट में गया और किस तरीके से वहां पे उसका केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू उसको तोड़ा गया सिंपलस यूनिट में किस तरीके से उसको पहुंचाया गया फिर कैसे उसका एब्सॉर्प्शन हुआ फिर देन उसके बाद वो लार्ज इंटरसेंट रेक्ट, रेक्टम में पहुंचने के बाद के में पहुंचने के बाद किस तरीके से स्क्रीट आउट करवाया गया यही क्या थे हमारे पांचों के पांचों मैकेनिज्म थे इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसिमुलेशन एंड लास्ट वन इज लास्ट वन क्या है हमारा एक्सक्रीशन यानी कि इजेशन क्लियर है तो यही सब कुछ आपको पढ़ना था मैंने एक ओवरव्यू के थ्रू समझा दिया इसमें मैंने आपको कोई भी डायग्राम बना के नहीं दिखाया है क्योंकि डायग्राम्स मैंने आपको हर एक टॉपिक जब पढ़ाया ना उसमें बहुत डिटेल में बना के दिखाया तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप जाके वहां पे ले सकते हैं और प्लस आई नो आपको ये फ्लो चार्ट चाहिए होगा तो ये फ्लो चार्ट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आई डोंट नो वाई क्यों बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे क्यों बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे जाके जल्दी से ज्वाइन करो ताकि आपको क्या मिले फ्री में नोट्स प्रोवाइड हों आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा चार्ट आपको फ्री में मिलेगा सेम एज इट इज़ यही मिलेगा ठीक है तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाके क्लिक करो और ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को फ्री में नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको प्लस इसके अलावा ये हमारा सी स्पेशल का इंस्टाग्राम पेज है जाके फॉलो करो ताकि आपको जितनी भी हमारी होनी है ना सबके लाइव नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो डाइजेशन हमारा खत्म हो गया है नेक्स्ट क्लास हम रेस्पिरेशन शुरू करने वाले हैं तो साथ बनाए रखिएगा इसी के साथ साथ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच बाय बाय